हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा iQOO Neo 9 Pro फ़ोन है, तो iQOO Neo 9 Pro फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर नेटवर्क एंड इंटरनेट की जो प्रॉब्लम्स होती है, तो नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं iQOO Neo 9 Pro फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर सकते हैं iQOO Neo 9 Pro फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम को आप ठीक कैसे कर सकते हैं iQOO Neo 9 Pro फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है। और सेटिंग्स पे जाते जो भी आपके फ़ोन में नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हैं, तो नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे आप ठीक कर सकते हैं नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम्स को। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपके पास ये सेटिंग्स आ जाएगी, देख सकते हैं। सिस्टम सेटिंग्स, तो सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर आपके पास रीसेट का ऑप्शंस भी आ जाएगा। तो रीसेट ऑप्शंस पे जाकर रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स पे जाना है, जिसके जरिए ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को आप रीसेट कर सकते हैं इस ऑप्शंस के जरिए। और रीसेट करते ही ऑल नेटवर्क सेटिंग्स आपके फ़ोन से रीसेट हो जाएगी और शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को आप रीसेट कर सकते हैं iQOO फ़ोन में, और ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करके भी नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं iQOO फ़ोन में। तो इस तरीके से भी नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम्स को। और जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप और भी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं और सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।